नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, भारतीय परंपरा और ज्योतिष विज्ञान में बहुत सी घटनाओं को शुभ माना जाता है, तो वहीं पर बहुत सी घटनाओं को अशुभ माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान और धर्मशास्त्र इस बात को कहते हैं कि हमारे आसपास या फिर हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उनका हमारे आने वाले भविष्य से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। इसी कारण से हमें अपने जीवन में कभी भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिरकार अगर आप लोगों के घर में भी बार बार नमक गिरता है तो आखिरकार इसका क्या कारण होता है और इसका आपके भविष्य के साथ किस प्रकार का संबंध होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में आज भी नमक से जुड़े कई प्रकार के टोटके और उपाय किए जाते हैं जिसका व्यक्ति के जीवन पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, नमक का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से पड़ता है। इसी कारण से भारत में नमक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, शगुन शास्त्र के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में बार बार नमक गिर रहा है तो यह अपने आप में एक अपशगुन है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके घर में रहने वाली गृहिणी की तबीयत आने वाले समय में खराब हो सकती है और साथ ही साथ उन्हें कई प्रकार की मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और शगुन शास्त्र के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि नमक को कभी भी घर में खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि नमक को हमेशा ही डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए। जिन घरों के अंदर नमक खुले में पड़ा होता है उन घरों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि खुले में जब नमक रखा होता है तब वह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है।